तुम्हारी बुक्स उसके पास क्या कह रही थी? वो तो मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है। आप इतने सवालात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इतनी बार कह चुका हूँ, उसे दोस्ती मत रखो, दूर रहो। वो मेरा दोस्त नहीं है। अरे खानसादा, बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। सरोज भाई, क्या हो गया है आपको? तुम्हीं से बात करो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। वो कहते हैं ना, सच्ची लगन विषय ख्वाहिशों से मिलाई देती है, और वैसे भी आप तलाश करते करते अपनी मंजिल के और करीब आ ही चुके। देखिए, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, आप गाड़ी हटा लें, मेरे साहब अभी आते होंगे, लग जाएगा पता आपको। ओ भाई, ये सोसाइटी तुम्हारे छोटे साहब के उसूलों पे नहीं चलती, बता देना उन्हें। ठीक है, तो अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम खामखा मुझसे बहस कर रहे थे, तुम्हारे छोटे साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझसे। अच्छा अच्छा, गाड़ी हटा लें आप। पता नहीं कहां से आ जाते हैं वक्त पर बात करने। आज खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। अच्छा, फिर तो खाना बहुत ही मजे का होगा, ट्राई करके देखते हैं। वो नमक शायद थोड़ा तेज हो गया है। क्या बात कर रही हैं आप, तो मजे का खाना है ये तो। कसम से बहुत आलम है। वाह जी,
खुशबू। हेलो, क्यों कॉल किया मुझे? माफी मांगने के लिए। आपने अगर माफी मांगनी है तो जाके उस लड़के से मांगिए जिससे आप लड़ रहे थे। अच्छा नहीं यार, उससे ही माफी मांग लूंगा, तुम तो माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं यूनिवर्सिटी में बदनाम नहीं होना चाहती। बदनाम? बदनाम क्यों होगी तुम? आप यूनिवर्सिटी में सबके सामने बोल रहे थे कि आप मेरे होने वाले शौहर हैं। देखें सरोज भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप प्लीज अपनी लिमिट्स में रह करें। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मैं पढ़ना छोड़ दूँ। अच्छा ना यार सवेरा, आई एम रियली सॉरी, इस बार माफ कर दो, मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ। और कुछ? आपने आइंदा जो भी बात करनी हो आप प्लीज घर में आके किया करें, यूनिवर्सिटी में मुझसे कोई बात ना किया करें। तुम जैसा कहोगी ना वैसे ही होगा, सही है? आपसे नाराज नहीं, आप बस जाके आरिफ से माफी कर दो। अच्छा ना, उससे ही माफी मांग लूंगा, तुम तो माफ कर दो। हेलो, जान बताइए फिर आप हमें जवाब दे रही हैं या खाली हाथ भेज रही हैं? आपको जवाब भी मिल जाएगा, पहले चाय तो लीजिए, ठंडी हो रही है। मनोर मुझे क्यों लगता है तुम टाल रही हो? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे अच्छी ज्यादा और क्या बात हो सकती है। अब देखो, सवेरा मेरी पोती है, सरोज मेरा नवासा है, सरोज सवेरा को इतना पसंद करता है, उसका बहुत ख्याल भी रखेगा। तो बस फिर कोई छोटी सी रस्म कर लेते हैं, जैसे ही सरोज की पढ़ाई मुकम्मल होगी तो अजीम की कंपनी में उसकी जॉब हो जाएगी और सैलरी भी अच्छी होगी। मेरी सारी बात हो गई है अजीम के साथ। लेकिन सवेरा को तो मास्टर्स करने में वक्त लगेगा। तो किसने रोका है भाई, पढ़ती रहे, बस रस्म कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मानूर मैं चाहती हूँ कि सवेरा हमारे बेटे के साथ मनसूब हो जाए। तुम पूछ लो ना सवेरा से। अरे उससे क्या पूछना है, आपकी फर्मा बरदार बच्ची है, आप जो फैसला करेंगे मानेगी वो, क्यों मानूं? दरअसल दौर बदल चुका है, मेरे ख्याल में सवेरा को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला खुद करे। बाकी अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या एतराज होगा। के लीजिए।
लड़का मैंने बुला लिया है ब्लड सैंपल लेने के लिए। इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि रिपोर्ट सामने नहीं आती। एक्चुअल सिचुएशन रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आएगी। वायरल भी हो सकता है। बहरहाल आप इस दौरान इनको जो है वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। वैसे मैंने इंजेक्शन इनको लगा दिया है, अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आइए डॉक्टर साहब। भाई डॉक्टर साहब चले गए। राशिद ये देखो, ये क्या लिखा है इसने, हारिद ने क्या लिखा है ये? भाई थोड़ी बहुत हिंदी में जानता हूँ, सावधान मतलब खबरदार रहिए। हारिद ने लिखा होगा। कैसी हो? नाराज ना हो, खाला ने पूछा था, मैंने गलती से बोल दिया। आपको फिर कोई काम पड़ गया होगा ना? अब मैं आपके साथ कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे मत कहो, बाजी बहुत परेशान है, इकलौता बेटा हूँ। मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बुखार से तड़प रहा है। हारिब नाम है उसका, तुम जानती हो ना उसको, वो तुम्हारे साथ पढ़ता भी है। हारिब क्या हुआ उसे? तुम मेरे साथ चलो, खुद ही देखो। देखिए ये लिखा है इसने, कुछ अरसे से ये बहुत बदला बदला था लेकिन कल रात से तो इसकी ये हालत हो गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सावधान, ठीक है आप लोग जाएं। तुम कैसे? प्रोफेसर हमदानी से जान छूट गई मेरी। तन्हा तन्हा से एक उदासी है। Thank you.
और इसी तरह प्रोफेसर से मेरी जान छूट गई। तो क्या उन्हें पता नहीं चला? जब किसी ताकतवर इंसान से उसकी ताकत छीनी जाती है ना सवेरा, तो उससे फौरन पता चल जाता है। तो खतरे में नहीं है? उसकी गुलामी से आजाद हो चुका हूं मैं। से ज्यादा ताकत है मुझ में, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे कभी मत छोड़ के जाने से, आज नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? क्या हुआ था इसे? आंटी आप फिक्र ना करें, हारे बिल्कुल ठीक है, बस राह चलते किसी दरख्त से साए ने जकड़ लिया था। चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो, खाना खा के या चाय पी के जाना। नहीं आंटी थैंक यू, मैं यहीं आ गई थी यूनिवर्सिटी से, मामा परेशान हो रही होंगे। बाजी फिर आएंगे। अपना ख्याल रखना सुबह। अल्लाह हाफिज। तुम इस लड़की को जानते हो? जी अम्मी, ये वही थी किताब वाली। सवेरा आमिर, मैंने आपको बताया था, आपको याद है ना? खैर जो कोई भी है, इस वक्त तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन के आई है। मेरा बेटा ठीक हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे। अच्छा ये बताओ, भूख लग रही है? बहुत भूख। फॉरेन खाना लें प्लीज। मैं भी लेके आती हूँ। प्रोफेसर साहब आज साबिर आया नहीं, पता नहीं शीशी कैसे टूटी। इतनी मेहनत और तलाश के बाद वो छलावा मिला था और उसने भगा दिया। जी यानी कुछ नहीं। अच्छा आपसे वो एक अहम बात भी करनी थी। आज एक औरत आई थी अपने बच्चे को लेके, उस पे आसेब है। एक औरत से इलाज भी करवाया है, आपसे मिलना चाहती थी। वही है? कौन? वही
नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बस वो छलावा मिल जाए तुम्हारे इस मरीज को भी देखते हैं। कल के लिए कपड़े निकाल रही हूँ जी, बस वही कोशिश कर रही हूँ। आज तो बहुत खुश नजर आ रही है माशाल्लाह। नहीं बस वैसे ही। तुम्हारी सरोज से बात हुई? जी वो यूनिवर्सिटी में हो गई थी मुलाकात। और कुछ नहीं। तुम दोनों के बीच में जो मामला था वो सेटल हो गया? जी जी उन्होंने कर ली थी माजरत। तो उसने तुम्हें बता दिया? क्या बताया? ये तो उसके पेरेंट्स रिश्ता लेकर आ रहे हैं। उसने तुम्हें नहीं बताया? मामा मैं भी किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हूं, और सरोज भाई उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा वो सिर्फ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जब तुम चाहोगी तब ही शादी होगी। यू कैन वेट। मामा आप क्या चाहती? आपके कहने पे किसी से भी शादी कर लूं। अच्छा तो फिर किससे? पता नहीं। सवेरा तुम्हें ख्वाब के पीछे भाग रही हूं, एक भयानक ख्वाब। तुम इस ख्वाब से जितना जल्दी जाग जाओ वो तुम्हारे हक में और हमारे लिए सबके लिए बेहतर हो। मामा आप क्या चाहती? मैं अपनी मर्जी के बगैर आपके कहने पे किसी से भी शादी कर लूं, ये चाहती हैं आप? नहीं बेटा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम रियलिटी में आ जाओ। हमारे माशरे में एक लड़की अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती, और एक साए के सहारे तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपने भी तो बाबा के नाम के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी। आमिर एक हकीकत थे, हकीकत है और हमेशा रहेंगे। वो एक छलावा है, वो एक आसेब था, है और हमेशा रहेगा, जिसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया। देखो बेटा सरोज एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इनकार कर दूंगी। मगर ये बात तो तुम्हें भी पता है कि फैसला तो करना है।
भाग जाओ। फिर क्या कहा उन्होंने? अरे बताया तो है, सवेरा से बात करके बताएंगी वो। मतलब नानी ने तो कहा था कि जैसे वो कहेंगी सवेरा वैसे ही करेगी। मान ही ना ले कहीं वो बात, सीधे मुंह बात तो करती नहीं वो किसी से। अमीम लड़की में ना थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए, बाकी एक दफा वो घर आ जाए तो संभाल ही लूंगा सिचुएशन। तो देखो बेटा, मानूर सवेरा की शादी उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं करेगी। जो कि गलत बात भी नहीं है। वैसे यार तुम्हें तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम्हारी तो उसके साथ बचपन की दोस्ती है। इसका मतलब है कि कोई क्लियर जवाब नहीं दिया उन्होंने। बात तो की है उनसे, अब आगे तुम्हारा नसीब, देखो क्या जवाब देती हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। और जो होता है ना बेहतरी के लिए ही होता है। तुम जाओ, गुड नाइट। चलें, गुड नाइट। पता है फायजा का फोन आया था मुझे। कौन फायजा? अरे वही फायजा जो पुप्पी जान के यहाँ काम करती है। अच्छा तो? वो बता रही थी कि आपकी बहू लोगों की जिन उतारती फिर रही है। अच्छा वाकई, वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड, पता नहीं क्या तावीज घंटे करती फिर रही है, और अगर हमारे घर आ गई तो ये सब कुछ ले आई अपने साथ। तो यार लेकिन ये तो तुम लोगों का खानदानी काम है ना। वो आमिर भी तो ये करता फिरता था, रिमेंबर? आमिर भाई मर्द थे, उनकी बात अलग है। यार कैसी औरत है आप? आपको तो दूसरी औरत को डिफेंड करना चाहिए जबकि आप उसकी मुखालफत कर रही हैं। भाई जेंडर इक्वलिटी के बिल्कुल खिलाफ है ये। मैं मुखालफत नहीं कर रही, मेरी तरफ से जो मर्जी करती फिरे, बस मेरी बहू ना बने। देखते हैं। जी फरमाइए। प्रोफेसर हमदानी आप? वाह, इतने साल बाद भी पहचान लिया आपने। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, फिर इतने सालों बाद यूं अचानक। कुछ मुलाकात की वजह अचानक बन जाती है। खैरियत तो है? इस्फानूर आपकी बेटी तो ठीक है ना? जी बिल्कुल। देखें आपकी बेटी के साथ आपको अगर दोबारा पहली जैसी चीजें महसूस हो तो आपको सबसे पहले मुझे बताना है। ठीक है, लेकिन ये सब इस्फानूर आप और आपकी फैमिली खतरे में है। क्योंकि छलावा मेरी कैद से आजाद हो चुका है। आपने मुझे हर मूवमेंट से बाखबर रखा, बस यही समझाने आया था मैं आपको।
वो गोरखन आपको दोबारा तो नहीं नजर आया ना? ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा वो आपने याद रखनी है और फॉलो करना है। मेक श्योर। खाल में दुश्मन है वो, तेरा भी और तेरी बेटी का भी। छलावा भी उसने भेजा है तुझे बर्बाद करने के लिए। और तेरी बेटी को जान से मारने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमसे हारिब करके बात करूं सरनाश? तुम मुझे हारिब ही कहो, यही नाम बेहतर है। क्योंकि अगर हमदानी को मेरे बारे में पता चल गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सवेरा। उसे तुम्हारा नाम पता? तुमने कब बताया? तुम्हारी पैदाइश से भी पहले। क्या मतलब? नहीं समझे। हमदानी ने मुझे भेजा था तुम्हारी फैमिली के बीच। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? ये सब तुम्हारे वकील से पहले की बात है, मेरी आंखों से देखो। हाँ सच है, और इसका कसूरवार सिर्फ एक ही शख्स है और वो है हमदानी। Thank you.
चाहता था कि तुम्हारी माँ के वजूद में पलने वाली आमिर की औलाद किसी हवाई छलावा के जरिए खत्म कर दी जाए। तुम्हें मार देने के बाद तुम्हारी सारी ताकतें मेरे कब्जे में होती। जो तुम्हें विरासत में मिली थी सवेरा, और उसके बाद प्रोफेसर हमदानी मेरे जरिए वो सारी ताकतें हासिल करता। और मुझे अपना गुलाम बनाकर छोड़ता। तो तुमने मेरी जान क्यों नहीं लिया रे?